आम आदमी पार्टी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया की उपस्थिति में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष और कलायत विधानसभा से उम्मीदवार अनुराग डांडा ने नामांकन किया है। इससे पूर्व हवन कर चुनाव कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया और शहर में रोड शो निकाला गया। साथ ही रोड शो के दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और कलियत की जनता ने फूलों की बारिश की है। जगह जगह लोगों ने उनका स्वागत किया। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि आज बड़ी खुशी हो रही है, अनुराग डांडा के नामांकन के लिए कलियत आने का मौका मिला। आज कलायत विधानसभा के लिए मैं अनुराग डांडा जी का नॉमिनेशन फाइल कराने आया था और मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ जनता ने बहुत जोर शोर से उनके सम्मान करते हुए यहाँ पे नॉमिनेशन कराया। आज अच्छा एक रोड शो हुआ और कलायत की जनता, हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति चाहती है। 10 साल के शासन से दुखी है और अब लोग बस इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव आए तो भारतीय जनता पार्टी को हटाएं और साथ साथ जो पंजाब में, दिल्ली में, हरियाणा के बाजू के दोनों स्टेट्स में सरकारें चल रही हैं, जिस तरह से वो शिक्षा पे काम कर रहे हैं, हेल्थ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे लोग, वहाँ पे बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं लोगों के, महंगाई से लड़ने में मदद मिल रही है, नौकरियां मिल रही हैं लोगों को, जिस तरह से वो सब चीजें लोग देख रहे हैं और ईमानदारी की सरकार चल रही है, ये सब चीजें लोग देख रहे हैं। तो हरियाणा के लोग भी यही चाहते हैं कि यही बदलाव अब हरियाणा में भी हो। देखिए, लोगों का मकसद है, हरियाणा के लोगों का मकसद है कि अब हमें बीजेपी को हराना है। उसके लिए वो भी एक फार्मूला था लेकिन अब उस पर नहीं बनी, तो कोई दिक्कत नहीं। अब आम आदमी पार्टी पूरी शिद्दत से लड़ेगी और हर आदमी को जरूरत है आज स्कूलों की, हर आदमी को जरूरत है कि उसके बच्चे जिस सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या पढ़ेंगे उसकी हालत अच्छी हो, जिन प्राइवेट स्कूलों में उनके बच्चे पढ़ते हैं उनकी फीस मनमानी ना पड़े, महंगे बिजली के बिल ना आए, कोई घर में बीमार हो तो मोटे मोटी रकमें इलाज में ना चुकानी पड़े, बच्चे पढ़ लिख जाएं तो नौकरियां उनकी लगें, ये सारी चीजें हर आदमी की जरूरत है। तो हमारा तो गठबंधन इस इशू से है, इस इशू पे हम सबके साथ हैं, इस इशू पे जो नहीं है उसके साथ नहीं है। अब तो जनता से बात बन रही है, टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।